लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र बीजेपी ने आज गोरेगांव में हिंदी भाषी महासंकल्प सभा का आयोजन किया और उस सभा के लिए मुंबई से 11 बसों में जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं बड़ी संख्या में भर के वहां पर पहुंचने वाले हैं। इस पूरे संकल्प सभा के लिए जो ये जत्था निकला है उसका नेतृत्व तो कर रहे हैं उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय जी। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये जो बीजेपी का महासंकल्प सभा है हिंदी भाषी महासंकल्प सभा, इसका क्या अर्थ है और क्या संकेत देना चाहती है बीजेपी, इसके जरिए क्या कहना चाहेंगे राय साहब, क्या मकसद है इसका? देखिए, आगामी चुनाव में, गोवा के चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल की और उसका नेतृत्व और प्रभारी थे हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी। उनके सत्कार करने के लिए हम लोग ने ये आयोजन का पूरा हिंदी भाषी लोगों ने अपना उनका आज सत्कार करेंगे और साथ ही साथ जितने भी महानगर पालिका चुनाव है उसके मतलब बिगुल बजाने का ये काम है। हमेशा मतलब भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में उत्तर भारतीय समाज हमेशा उनके साथ में रहा है और इस बार भी पूरे मजबूती के साथ, चाहे वो नई मुंबई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे कल्याण हो, पूरे जोर शोर से हम लोग मतलब देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करेंगे और पालिका के ऊपर अपना जीत हासिल करेंगे, यही मेन उद्देश्य है। महासंकल्प सभा के जरिए बीजेपी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करना चाहते? देखिए, शक्ति प्रदर्शन करने की हमें जरूरत नहीं, हमारी क्या शक्ति है सभी को पता है, लेकिन हर कार्यकर्ता को एकजुट करने के लिए, कि कोरोना का काल में हम लोग सब लोग एकजुट नहीं हो पाए थे, तो इसलिए कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बीजेपी क्या संकेत देने वाली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो हिंदुत्व का एजेंडा है ये सभी को पता है और आज आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो हमें कार्य करना है हम कर रहे हैं, उसी तरह महाराष्ट्र में आदरणीय फडणवीस जी के नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे। जिस तरह से आज हिंदी भाषी एकजुट हुए हैं और आपके नेतृत्व में अभी इस महासंकल्प सभा में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जो हुजूम दिख रहा है, आपको लगता है कि इसका फायदा मुंबई महानगर पालिका चुनाव में देखने के लिए मिलेगा? ये ताकत है बीजेपी के साथ उभर कर आएगी? ये इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे मतलब कि नई मुंबई के जो भी आदरणीय गणेश नायक जी हों, आदरणीय मंदाताई मात्रे हों या जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत हों और सभी लोग सुधाकर सोनानी साहब मतलब बताई हो, सभी लोग एकजुट होकर कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं और हिंदी भाषी जितने भी हिंदी भाषी हैं सब एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या कहना चाहेंगी, ये जो दिख रहा है माहौल, जिस तरह से बीजेपी संगठित हो रही है, एकजुट हो रही है, हिंदी भाषी बड़ी संख्या में आज वहाँ पर पहुँचने की तैयारी में, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भाई भारत भर जिसका नारा है, मोदी जी योगी जी जिन्होंने अभी जो भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें सबसे ज़्यादा जीत तो बीजेपी ने हासिल की है, भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, जहां से बहुत बड़ी जीत हमें मिली है पक्ष को। और आज जो गोवा में जो जीत थी, गोवा में सबका कहना था कि यहाँ बहुत टफ चलेगा, मगर देवेंद्र जी के नेतृत्व में वहाँ खींच के उन्होंने अपनी विजयश्री लेके आए और वहाँ बीजेपी का फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। उनका सत्कार सभा, उनकी सत्कार करने के लिए ये सब जो उत्तर भारतीय लोग अभी जा रहे हैं और एक प्रकार से आगे के इलेक्शन में, जैसे कि कल आपने पूछा कि कल शिवसेना में ऐसा हो गया, मगर हम किसी से डरते नहीं है भाई, हमारे पीछे हर एक प्रदेश का आदमी है जो सच्चाई से काम करता है, सच्चाई से बीजेपी से जुड़ा है और इस भारत देश पे, जो इस मातृभूमि पे जो प्यार करता है,
जो अपने पार्टी के हमारे पार्टी को उस लोगों को चाहता है। हमारा एक है कि पहले राष्ट्र, ये जो हमारा उद्दिष्ट है उस उद्दिष्ट के ऊपर चलने वाला हर एक इंसान इस बीजेपी की नेतृत्व को मानता है और इसमें कोई संदेह नहीं, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी हर तरह से जीत हासिल करेगी, चाहे मुंबई हो, चाहे नवी मुंबई हो, चाहे डोंबिवली हो, चाहे थाना हो, हम लोग जीत हासिल करके ही रहेंगे। जीत हासिल करके रहेंगे। मेरे साथ पूर्व मेयर सुधाकर सोनौने जी भी हैं, उनका जो क्षेत्र है हिंदी भाषी बहुल है, बड़े पैमाने पर हिंदी भाषियों का नेतृत्व करते आ रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश करें कि आप इस उभरती ताकत को किस रूप में देखते हैं। आज हिंदी भाषी संकल्प सभा है, क्या संकेत आपको लग रहा है? देखिए, ये राज्य नहीं बल्कि देश की जो आवाम है, हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषी जो संकल्प दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो सभा गोरेगांव में होने जा रही है, नई मुंबई में भारी मात्रा में आपको उत्तर भारतीय दिखाई देंगे। जितने भी इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री को चलाने वाले अधिकतर उत्तर भारतीय कामगार है और उनको हमेशा ही नई मुंबई में एक अलग स्थान देने का काम आदरणीय गणेश नाइक साहब ने दिया है। और आज भी भारी मात्रा में जो लोग यहाँ से दिखाई दे रहे हैं राय साहब के नेतृत्व में यहाँ से मुंबई की ओर जा रहे हैं, उनको हरी झंडी दिखाने के लिए हम सारे जो नई मुंबई के नेतागण हैं यहाँ आए हुए, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। मेरा एरिया वैसे भी प्रभाग क्रमांक 19 और 20 पहले से ही हिंदी भाषिक बहुल है और हिंदी भाषिक बहुल होने के कारण हमें जात धर्म और पार्टी के आगे जाके राष्ट्र को सबसे अधिक ऊंचाई को लेके जाने वाला संकल्प लेके हम 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और कभी यहाँ इस प्रकार का भेद नहीं हुआ है। लोग कुछ भी कहे लेकिन जब राष्ट्र हमारा एक है, जब राष्ट्र एक है तो धर्म भी एक होना चाहिए और इसी धर्म के कारण हम लोग 20 साल से वहाँ विकास कर रहे हैं और आज इस विकास को आगे लेके जाने के लिए जो संकल्प सभा है, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना वो अलग चीज़ है लेकिन सबको एकजुट लेके जाना ये पार्टी का एजेंडा होना चाहिए और उस एजेंडा के तहत आज हम देख रहे हैं कि देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में वो सभा होने जा रही है। जैसे राय साहब ने कहा कि चार राज्यों में उन्होंने बहुत ही भारी मात्रा में बीजेपी को वहाँ पर जीत हासिल करके दिए और वो दो राज्य के प्रभारी भी रहे हैं, इनके लिए उनका सत्कार करना और ये जो मुंबई और महाराष्ट्र की जो म्युनिसिपैलिटी की चुनाव होने जा रहे हैं उसका बिगुल यानी कि उसका आज शायद नारल फोड़ा जाएगा। मुंबई में जो उत्तर भारतीयों की हमारी शक्ति है, ये आदरणीय लोकनेता गणेश जी नाइक साहब और प्रथम आमदार संदीप जी नाइक साहब के नेतृत्व में हमारा उत्तर भारतीय समाज पूरा सुरक्षित है, उसके वजह से आज ये एकता जो दिखाई दे रही है और हमारा उत्तर भारतीय समाज सदैव नाइक साहब के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी। तो मैं सभी उत्तर भारतीय इतने बड़ी संख्या में यहाँ से 11 बसों में जा रहे हैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। इसी प्रकार एकजुट बनाए रखिए और जीत निश्चित रूप से आपकी एकता की होगी। जीत निश्चित तौर पर एकता की होगी। जैसा कि आपने सुना कि जो गोरेगांव में बीजेपी के हिंदी भाषी महासंकल्प सभा है, कहने के लिए तो वहाँ देवेंद्र फडणवीस जी का सत्कार किया जाएगा लेकिन उसी मंच से नई मुंबई और दूसरे जो महानगर पालिका के चुनाव में जीत का शंखनाद भी होगा। कैमरामैन घनश्याम गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।